ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। वी विल चैंट वंस मोर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। गंगा मई की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। मेरे हाथ में मोबाइल है इसलिए मैं हाथ जोड़ नहीं सकता, लेकिन हिमालय की गोद में गढ़वाल हिमालय पर्वतों की रेंज में उत्तर काशी क्षेत्र में गणेशपुर गांव में भगवान बलराम जी के छोटे भाई नाग देवता वासुकी इनके मंदिर में हम लोग बैठे हुए हैं। और इस पवित्र स्थान से मैं सभी माताओं को दंडवत प्रणाम करता हूं। जैसे मैंने कहा कि मेरे दोनों हाथ मोबाइल पकड़े हुए हैं इसलिए मैं हाथ जोड़ नहीं सकता, लेकिन सभी माताओं को मैं हृदय से प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि आज मातृ दिन है, मदर्स डे। इस जीवन में स्त्री जो है वो बहुत कम समय की पत्नी और दीर्घकाल की माता होती है। एवरी वुमन इज अ शॉर्ट टर्म वाइफ एंड अ लॉन्ग टर्म मदर। जो स्त्री का जीवन है वो मातृत्व के लिए ही बनाया गया है, और पत्नी होना मातृत्व का एक मार्ग है, इसलिए पत्नी होना भी जरूरी है। सो बीइंग वुमन बीइंग वाइफ is the way to become mother. That is why it is also important. But what is more important is to become mother. Matrutva ye stri ke liye ek sabse bada vardaan hai, ek sabse badi bhet hai jo prakruti aur bhagwan humko dete hain. Jab koi navjat shishu thoda bada hokar maa ko maa pukarta hai, amma pukarta hai, माता जी पुकारता है, आई माजी आई, तब जो समाधान संतुष्टि और आनंद का अनुभव होता है वो और किसी भी आनंद के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। ये स्त्री के शरीर की एक शरीर के जीवन की एक परिपूर्णता है। दिस इज द फुलफिलमेंट ऑफ बीइंग अ वुमन टू बी अ मदर। और मैं एक बार मेरे गांव गया था उडुपी, किसी के श्राद्ध में गया था मैं, तो वहां पर एक बुजुर्ग थे हमारे, बहुत आदरणीय व्यक्ति थे परिवार के। उनको मैंने पूछा कि माता और पिता इनका श्राद्ध जो है वो कब तक करना चाहिए, इज एनी टाइम लिमिट? तो उन्होंने कहा कि जीवन के अंत काल तक इनका श्राद्ध करना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? आप मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बात सुनकर। उन्होंने जो जवाब दिया वो इतना सुंदर जवाब दिया कि माता जो बालक को अपने गर्भ में धारण करती है 9 महीने के लिए और इतना कष्ट सहन करती है। अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है मेडिकली क्या क्या होता है, सब जानते हैं। और कई माताओं को मैंने देखा है परम कष्ट का अनुभव करते हुए एक बालक को जन्म देने के लिए, इस विश्व में मनुष्य शरीर धारण करके
इस विश्व में प्रवेश करके भगवत प्राप्ति के लिए जन्म देने के लिए वो इतना कष्ट सहन करती है। वो जो कष्ट है इसका ऋण कोई भी व्यक्ति कितनी भी सेवा करेगा तो वो चुका नहीं सकता है। श्राद्ध तो एक छोटी सी चीज है उनके आगे की गति के लिए, लेकिन उनके जीवन में भी जब वो जीवित है हमारे साथ में, आप चाहे जितने अनंत पर्वत प्राय हिमालय प्राय सेवा करेंगे ना, तो भी माता जी का ऋण जो है वो हम चुका नहीं सकते। मैं सोचा कि हमने उनको ऐसा रखा वैसा रखा, ये खिलाया वो खिलाया, ये दवाई दिया, ऐसे बढ़िया से रखा, इतनी मधुर मधुर बातें की प्रेम से, फिर भी हम लोग कभी सोचना नहीं चाहिए कि मैं वो ऋण चुका रहा हूं। ये सोचना भी गलत है कि मैं माता का ऋण चुका रहा हूं, मैं केवल प्रयास कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य कर रहा हूं बस। ऐसे गुरु का ऋण होता है, तो हम कितनी भी सेवा करेंगे तो ऐसे नहीं कह सकते कि हमने चुका दिया उनका ऋण, क्योंकि माता का प्रेम जो होता है ना वो सभी भौतिक सीमाओं को पार करके आगे जाने वाला प्रेम होता है। हमने देखा है कि पुत्र देखभाल भी नहीं करते आजकल, उनकी तरफ से उनकी सेवा नहीं होती है। जब वृद्ध काल आता है उनका, उनको असहाय हो जाते हैं शरीर से, वो जर्जर हो जाते हैं, तब उनको वास्तविक रूप में वो सपोर्ट और सहायता की जरूरत होती है, और तभी वो पुत्र आजकल के सेवा नहीं करते हैं। फिर भी माता का प्रेम अपने पुत्रों पर कभी कम नहीं होता है। पुत्रों की तरफ से, कन्याओं की तरफ से माता को अगर कितना भी कष्ट प्राप्त हुआ, शरीर का छोड़ दो, भावनाओं से उनका अपमान किया जाता है, उनके मौत का इंतजार किया जाता है, ऐसे सब कुछ होता है दुनिया में। इतना सब करने के बाद भी माता का प्रेम कण भर भी अपने संतान के प्रति कम नहीं होता है। तो ये जो निष्काम प्रेम होता है ना, निरपेक्ष प्रेम, ये इसका क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है। मैं क्लोजेस्ट क्यों कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ अपेक्षा रख के भी सेवा करते कि मैं भी सेवा करूंगी तो वृद्ध काल में मेरी सेवा करेगा, इसलिए उसको कंप्लीट नहीं कहा गया है। लेकिन भगवत प्रेम जो निरपेक्ष होता है, उसके ये बराबरी का नंबर वन का प्रेम माता का होता है। हम आज जो भी कुछ हैं वो इसलिए हैं कि माता ने हमको गर्भ में रखा, हमारा गर्भपात नहीं किया, सबसे बड़ी बात। उन्होंने हमारे लिए हमारे समय गर्भपात नहीं किया, इसलिए हम आए और आज जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जीवन दिया था, स्तनपान कराया था, लालन पालन किया था, संस्कार दिए थे, इसलिए हम आज जो भी कुछ हैं वो है। माता के चरित्र का सबसे अधिक प्रभाव बालक पर होता है। पिता शासन करता है, पिता डिसिप्लिन देता है, शिस्त जिसको मराठी में कहते हैं, वो एक छोटा सा अंश है, लेकिन पूरे संस्कार जितने होते हैं, स्वभाव, तौर तरीका, शिष्टाचार, कैसे रहना है, दिव्य गुण जो होते हैं सेवा करने के, आदर पूर्णता के, नम्रता के, जितने भी आप गुण गिनेंगे वो माता के तरफ से 90% पुत्र को या पुत्री को प्राप्त होते हैं। इसलिए भाषा को भी कहा गया है मातृभाषा। कभी हमने सुना है क्या पितृभाषा? बालक बोलता भी है जो माता बोलती है। अगर पिताजी कोंकणी है और माता मराठी है तो बालक मराठी बोलेगा, अगर माता कोंकणी है और पिताजी मराठी है तो बालक कोंकणी बोलेगा। इतना माता के चरित्र का प्रभाव संतान पर होता है। और आज मातृदिन है तो सभी पुत्रों को पुत्रियों को अपनी माताओं के चरण सुनने चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि अगर हमने आपके लिए कोई अपराध किया हो, कोई आपके प्रति हमने कुछ गलत शब्द उच्चारण किए हो, अपशब्द उच्चारण किए हो, जिसको आपके जिसकी वजह से आपको दर्द हुआ हो, क्योंकि माता और पिता, ज्यादा करके माता अनंत दुख सहन करती है जन्म के लिए और जन्म के बाद, और जन्म के बाद बच्चे बड़े होने के बाद में वाक बाण यानी अपशब्दों के द्वारा माता बहुत ज्यादा दुख सहन करती है। ये सबका ऋण हमारे ऊपर है, और जितना हम हमारी माता को कष्ट देंगे उतना कष्ट हमें बाद में मिलेगा, और वो माता बनने के बाद पता चलेगा कि वो कष्ट क्या होता है। इसलिए आज के
इस पवित्र मातृ दिन पर सभी माताओं को मेरा वंदन है। और अंतिमतः मैं बताना चाहूंगा कि हमारी केवल एक ही माता नहीं होती है, हमारी बहुत सारी माताएं हैं। आज हमने जो बातें की वो जिसने जन्म दिया है, जन्मदात्री, उसका वर्णन किया है। लेकिन उसके बाद में गौ माता हमारी माता है, क्योंकि अपने बछड़े को दूध पिलाने के बाद भी हमको भी दूध पिलाती है, सबका लालन पालन करती है। तीसरी माता है पृथ्वी माता, जिसके ऊपर हम डोल रहे हैं हमारा सारा वजन, पापों का भार, असत्य का भार, सत्य का भार, जीवन का भार, वो सब भू माता ढोती है प्रेम से। उसके बाद में है गुरु माता। पुराने काल में गुरु जी सब गृहस्थ होते थे, भारद्वाज मुनि, व्यास मुनि सब गृहस्थ हैं, तो गुरु जी की माता जो है वो भी माता के समान है। फिर ब्राह्मण की माता, ब्राह्मण की पत्नी। अभी तो ब्राह्मण सब भूल गए, ब्राह्मण है ही नहीं, किसी के सामने दिखते ही नहीं, लेकिन ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, उनकी पत्नी भी माता के समान होती है। वो ब्राह्मणी जो पत्नी होती है ब्राह्मण की, वो केवल अपने पुत्रों को, पुत्रियों को अपनी संतान नहीं मानती, वो बाकी सबरे गुरु के जितने शिष्य है सबको अपनी संतान मानती है। फिर राजमाता, राजा की पत्नी, जितनी प्रजा है दुनिया में राजा के आधिपत्य के नीचे, वो सभीों को राजपत्नी जो है, राजमाता, वो सबको अपनी पुत्र मानती है, संतान मानती है। और सातवीं माता जो है वो परिचारिका है, नर्स, जो हमारे कुछ नहीं होती है, ले जब हम उनके बेड पर जाते हैं मरीज बनकर, तो एक माता के जैसे वो अपनी सेवा करती है, मल मूत्र निकालती है, उल्टियां निकालती है, अपने क्या क्या शरीर में द्रव्य निकलता है सब निकालती है, प्रेम से बातें भी करती है ऊपर से। हमने हमारे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में सब अनुभव किया है, इतना सारा कष्ट उठाने पर भी पेशेंट से इतने प्रेम से बातें करती है, परिचारिका भी माता है। ये हमारे वैदिक धर्म की संस्कृति है, हम केवल अपनी माता को देखते नहीं, सात माताओं का हम वंदन करते हैं। ये सात माताएं कुछ भी संबंध न होते हुए एक ही माता उसकी जन्मदात्री है, बाकी सब लोग अपने ऐसे ही हैं, हमारा कोई ब्लड का रिश्ता नहीं उनके साथ, लेकिन सब लोग हमारी सेवा करते हैं, ज्ञान में या अज्ञान में, जानते हुए अजानते हुए। तो जब तक हम हमारी भक्ति में अति परिपूर्ण नहीं हो जाते हैं, Unless until we become pure devotee, तब तक हम साधक हैं, और तब तक सब पे ऊपर हमारा ये सबका ऋण है, और इन सबके ऋण चुकाए बिना हम भगवत धाम नहीं जा सकते। मैं क्लेम भी नहीं कर सकते कि मैं प्योर डिवोटी, मैं साधु अभी संत हो गया हूं, ये क्लेम नहीं कर सकते। और जो साधु और संत बनते हैं, वो साधु और संत बनने के बाद भी अपनी माता की सेवा करते हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता की सेवा की, और पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने भी अपनी माता की सेवा की, अभी पिता की सेवा भी कर रहे हैं, जो 99 इयर्स के हैं। स्वयं माता का दाह संस्कार करके, अमेरिकन होने के बाद भी दाह संस्कार करके उनकी रक्षा, ऐश लेकर वो वृंदावन और मायापुर में आए थे, उन्होंने उनका वहां पर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम किया था। तो ऐसा नहीं कि परम संत बनने के बाद भी माता के ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं, होने के बाद भी परम संत जो है वो माता का ऋण मानते हैं और उसको अदा भी करते हैं, अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। इतना ये महत्वपूर्ण है। तो आइए, जिन्होंने भी ये मदर्स डे बनाया है उनका धन्यवाद है, क्योंकि जब तक ये डे नहीं आता ना डे, तब तक किसको याद नहीं आती आजकल, रोज डे और ये बहुत सारे डे बना के रखे, क्यों? क्योंकि हम सब अपने कर्तव्य भूल रहे हैं, तो याद नहीं आ रहा है कुछ, इसलिए आज के दिन कम से कम हम अपनी माता का ऋण की याद करें, उनके प्रति हृदय से कृतज्ञ भावना निर्माण करें। लेट अस बी ग्रेटफुल फ्रॉम हार्ट टू आवर मदर एंड प्रे फॉर हर whether she is alive or not, एंड ट्राई टू सर्व हर इन द मैक्सिमम कैपेसिटी, हमारी जितनी क्षमता है, हो सकता है एकदम परिपूर्णता से हम सेवा नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी हमारी क्षमता है प्रामाणिकता से, उतनी सारी हमारी सेवा हम करने का प्रयास करना चाहिए, तो ही जाके फिर वो हैप्पी मदर्स डे ये सब का वैल्यू है। तो हैप्पी मदर्स डे का वैल्यू क्या है, माता को दुख देते रहने का और बाद में हैप्पी मदर्स डे बोलने का क्या फायदा है उसका? हृदय से कृतज्ञता का अनुभव करना और जितनी हो सके उतनी प्रामाणिकता से उनकी सेवा करना, ये जब करेंगे तो ये मातृ दिन सफल है, अदरवाइज दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो पुनः एक बार मैं सभी माताओं को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूं, और एक बार माताओं के लिए हम
हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे उनके लिए उनकी प्रार्थना के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मुझे याद दिलाया जा रहा है कि ये सात माताओं के आगे भी कुछ माताएं हैं। वो एक माता है जगन माता अन्नपूर्णा देवी, पार्वती देवी, जो ये जगत का पूरा पालन करती है, हम सबको संभालती है। और उनको निर्माण करने वाली परम पूज्या श्रीमती राधा रानी, अंतरंगा शक्ति, ये सबकी परम माता है। तो हम लोग उनके लिए भी हमारी हृदय की भावना व्यक्त करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। कोई किसी का प्रश्न है जूम पे या लाइव? Anybody has any question? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, नित्य सुंदरी देवी दर्शी। हाँ यस माता जी। प्रभु जी, जैसे आप बताए कि सात माताएं होती है, तो क्या सासू माँ भी तो माता होती है ना प्रभु जी? तो वो भी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्सटेंशन है, माताओं का एक्सटेंशन है ये। विवाह होने के बाद में स्त्री की परिवार की वृद्धि होती है। स्त्री स्त्री शब्द का अर्थ क्या है, किसी को पता? स्त्री शब्द का अर्थ क्या है? विस्तारिति इति स्त्रिया। तो स्त्री जो है वो विस्तार करने के लिए, शी इज अ पावर ऑफ एक्सपांशन, वो खुद भी अपने जीवन से भी एक्सपांड करती है, उसका भी जीवन एक्सपांड हो जाता है। तो विवाह करने के पश्चात सासू माँ भी उनकी माँ है और ससुर जी भी उनके पिता हैं। और ये एक चरित्र का एक बहुत उच्च अंग है। जैसे अपनी माँ को माता मानना, अपने भाई को भाई मानना, और बाकी सभी इसी परिवार के सबका घृणा करना, झगड़ा करना, न चाहना उनको, ये आजकल का कल्चर है। लेकिन वैदिक कल्चर ये है कि जैसे अपनी माताओं की सेवा करते उससे भी अधिक सासू माँ की सेवा करते, क्योंकि वो रिश्ता ऑफिशियल है, बहुत थोड़ा सा टेंशन वाला और कर्तव्य वाला रिश्ता है। उसमें अगर सच्ची माँ है तो अपनी वो बेटी को बताती है कि जब ससुराल जाओगी तो हमसे भी अधिक सेवा सासू माँ की करना, वो एक आदर्श है हमारे कल्चर का, जो हमें करना चाहिए, कभी भी चुकना नहीं चाहिए। क्योंकि हम सब लोग हमारी कन्याओं को जन्म देंगे, हमारी कन्याएं सासू शादी होकर पराए घर जाएंगी, ससुराल में जाएंगी, और अगर वो ससुर और ससुर की सेवा नहीं करेंगी तो बदनामी किसकी होगी? मायके की, जिन्होंने जन्म दिया है उन्होंने, उनका ही बदनामी होगी कि क्या संस्कार दिए। तो मायके का गौरव बढ़ाने के लिए, अपने चरित्र का गौरव बढ़ाने के लिए, हर बहू को ससुराल में सासू जी और ससुर जी का सेवा करना चाहिए। जब वो देखेंगे कि हो रहा है तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। इस जीवन में जो भी हम करते हैं ना, वो सब कुछ सर्कल में घूम के हमारे पास लौट के आता है। अगर हमने अपने माता पिता की सेवा की है, हो सकता है आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। अगर आपने सास ससुर की सेवा की है, ओके, हो सकता है आपको देखकर हमारी बेटियां भी सास ससुर की सेवा करेंगी। जो भी हम करेंगे वो सब कुछ समय के बाद घूम के वापस लौट के आता है। जो भी दर्द हमने दिए हैं वो भी घूम के लौट के आते हैं। जो भी प्रेम हमने दिया है, जो भी हमने सहारा दिया है किसी का, जिसकी सेवा की है, सब लौट के आएगा। निश्चिंत रहो, आप टिम्बकटू में जाएंगे ना, तो भी आपके पाप कर्म आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके पुण्य कर्म भी आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा यहाँ का हिसाब किताब, ठीक है? राधे राधे। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे श्याम।